शांत एक्शन में सीएम। धार में तीन दिन से सुर्खियों में बने हैं कारम डैम की पाल पर। आखिरकार शासन प्रशासन ने जेसीबी चला दी है। 50 घंटे की मशक्कत के बाद भी जब डैम को बचाने की कोशिशें नाकाम नजर आई तो इसकी दीवार को तोड़ने का फैसला लिया गया है। शनिवार रात से वॉल तोड़कर बांध से पानी निकालना शुरू किया गया है। अभी पानी का बहाव कम है लेकिन धीरे धीरे फ्लो बढ़ने लगा है। ये पानी आगे जाकर महेश्वर में नर्मदा में गिरेगा। डैम फूटने के डर से धार जिले के 13 और खरगोन जिले के 6 गांवों के लोग पहाड़ों और राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी डैम की सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। सुबह 6 बजे ही उन्होंने अपने निवास से फोन के जरिए धार और खरगोन के अधिकारियों से बात की। मौके पर मौजूद मंत्री तुलसी सिलवाट से भी स्थिति की जानकारी ली है। राहत शिविरों में ठहरे लोगों के लिए भी व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो ये तीन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 12 अगस्त की ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं डैम, और 13 अगस्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां जेसीबी मशीन से यहां पर तोड़ा गया, और 14 अगस्त यानी कि ये आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां यहां से पानी को निकाला जा रहा है। तो बहुत कड़ी मशक्कत के बाद ये कार्य किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर लीकेज वाले बांध की देख रेख हो रही है, तोड़ा गया है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर अब पानी की निकासी हो रही है जिससे कि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो सके, कोई बड़ा हादसा ना हो सके, उसको लेकर के यहाँ पर डैम को तोड़ा गया है और यहाँ बना दिया गया है कि यहाँ पानी निकलने की व्यवस्था बना दी गई है। तो 19 गाँवों को खाली कराया गया है इसको लेकर, ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो सके, कोई भी बड़ा हादसा ना हो सके, इसलिए 19 गांवों को खाली करवा दिया गया है। तो पानी निकलना अब शुरू हो गया है। ये तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पानी निकल रहा है, जिससे जो मुसीबत बनी हुई थी वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अब प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर, और हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश चोहल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं धार से। तो सबसे पहले हम रेजिडेंट एडिटर के पास चल लेते हैं। प्रभु पटेरिया जी, आपसे जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पानी को लीकेज हो रहा था और अब इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए सोनाली, ये अपने आप का एक अनूठा काम है कि एक बांध जो उसमें कि 15 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भरा हुआ था, 52 मीटर उसकी ऊंचाई है, वो तब हुआ दिखाई दे रहा था, उसमें लीकेज था, उससे 19 गांव में जान माल का नुकसान कर सकता था, काफी तादाद में संपत्ति का भी नुकसान हो सकता था, फसलों को तो क्षति पहुंचती बड़ी मात्रा में। उसको कंट्रोल में करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जैसे ही उनको जानकारी मिली कि एक्शन प्लान बनाया, रुड़की के जो विशेषज्ञ हैं सिविल इंजीनियरिंग के उनसे संपर्क किया, बांध सुरक्षा विशेषज्ञ जो देश के हैं उनसे संपर्क किया, उनके मार्गदर्शन में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदि हम कहें तो कल जो है 16 घंटे वो लगातार निगरानी करते रहे, स्टेट सिचुएशन रूम में बैठकर पल पल की जानकारी लेते रहे, कैसे काम हो रहा है, समन्वय का काम देखते रहे। खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में कोऑर्डिनेशन का जिम्मा लिया था, प्रधानमंत्री को उन्होंने अवगत कराया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने अवगत कराया, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से भी बात की, और राहत और बचाव के काम के लिए भी दोनों जिलों का प्रशासन और साथ में आर्मी और 2 हेलीकॉप्टर भी वहां पर रखे गए थे एहतियात, यदि अचानक बांध फूट जाता है तो लोगों को बचाने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। इस तरीके से सरकार ने पूरी कोशिश की कि राहत बचाव के उपाय किए कि नुकसान कम से कम हो। बांध को भी बचाना एक महत्वपूर्ण काम था, इसके लिए बांध के बगल में पैरेलल एक चैनल बनाई गई, उसमें नियंत्रित मात्रा में पानी छोड़ना रात को 3 बजे शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे पानी उसे बांध का जो एक्सेस वाटर है उसको खाली कराया जाएगा, उसको पानी को एक चैनल के जरिए ही नदी में छोड़ा जाएगा जिससे कि गांव में पानी ना जाए, लोगों का नुकसान कम से कम हो, और इसके साथ ही राहत बचाव की जो है जो राहत शिविरों में लोगों को रखा गया है
उनके भोजन का प्रबंध और तमाम व्यवस्थाओं के इंतजाम भी लगातार हो रहे हैं। और अभी मैं बता दूं कि रात को 3 बजे तक मुख्यमंत्री जो है कल सुबह 11 बजे से स्टेट सिचुएशन रूम में बैठे थे, अब फिर वो स्टेट सिचुएशन रूम में पहुंच गए हैं और लगातार फिर वहां पर आगे के काम की निगरानी कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरा प्रशासन, सरकार का अमला, 2 मंत्री सरकार की वहां पर मौके पर मौजूद है, 2 जिलों का प्रशासन वहां पर मौजूद है, लोगों की सुरक्षा के लिए और बांध को बचाने के लिए तमाम उपाय वहां पर कर रहे हैं, जिसमें उनको काफी हद तक सफलता भी मिल गई है। अब पानी यदि निकल रहा है नियंत्रित मात्रा में तो उससे बांध के टूटने का खतरा कम हो जाएगा और बांध की मरम्मत के लिए पर्याप्त समय वहां पर मिलेगा। जी जी बिल्कुल, योगेश चौहेल भी हमारे साथ मौजूद हैं धार से, उनसे जान लेते हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही हैं कि अब जो पानी की निकासी हो रही है कम मात्रा में हो रही है, पूरा मामला विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सोनाली, खतरा जरूर कम हुआ है और इस वक्त मैं डैम पर हूँ। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि आप देख सकते मेरे पीछे की यही वो पानी है जहाँ से निकासी की जा रही है। एक बाईपास चैनल बनाकर पानी से निकासी की जा रही, वही दूसरी ओर भी बाईपास बनाया जा रहा ताकि दोनों छोर से पानी की निकासी हो और इस डैम पे दबाव कम बने और डैम फूटने का खतरा कम हो। लेकिन आप देख सकते कि इधर ये निचली बस्तियों के गांव है जहां खतरा मंडरा रहा था, इन ग्रामीण लोगों को अब यहां से खाली करवा लिया गया है। इन गांव में अब एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। गांव में सन्नाटा है, हमने जाके जायजा लिया, ग्रामीणों का आक्रोश भी साफ तौर पर निकलकर सामने आया कि वो तो गांव छोड़कर जा रहे हैं लेकिन उनके मवेशी जो है वो यहां पर है, उनको इस बात की चिंता बनी हुई है। साथ में खेती किसानी वाले लोग भी है तो खेत का काम भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि अभी डैम पर राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। यहाँ पर 3 मंत्री मौजूद है, प्रभु चौधरी, तुलसीराम सिलावट और राजवर्धन दत्तीगांव भी मौजूद है, लगातार वो भी निगरानी बनाए हुए है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही निकल कर आ रहा था कि आखिर इस डैम में लापरवाही किस तरीके से किसकी रही और इसको पहले क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया, क्योंकि ग्रामीण वासियों का साफ तौर पर यही कहना था कि वो लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे। उन्होंने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी करा था कि उनकी सुनवाई की जाए, ये डैम कभी भी लीकेज हो सकता है और 18 गांव वालों की जान को आपत बन सकती है। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही रही, जिसका नतीजा आज साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आज प्रदेश और देश में कोरम डैम जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी योगेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी आपने एक लापरवाही की भी बात कही है, साथ ही ये जब डैम लीकेज हो रहा था तो क्या इस पर किसी की नजर नहीं गई थी, इसको लेकर के पहले किसी ने कोशिश नहीं की थी इसको ठीक करने के लिए? बिल्कुल, मैं इस पर एक अपडेट ग्रामीण वासियों से ले लेता हूँ क्योंकि वो ग्रामीण वासी यही रहते हैं और वो लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे। सर क्या कहेंगे आज ये जो हालात बने हैं, क्या लगता है आपको, क्या लापरवाही रही इसमें? सर जी, इसमें लापरवाही ऐसी रही कि अभी तक हमारे मवासी भूखे मर रहे हैं, भूखे तीसरे लगभग में घर बेघर हो गए, लगभग में अभी तक गांव में कई बेड़े में कई जंगल में पड़े हैं और अभी तक कई बच्चे दूध वगैरह पीते हैं, लगभग में खेतियां भी काफी तरह से नुकसान हो रही है। तकलीफें जाहिर है लेकिन बात यह है कि ये जो डैम है 2018 से बन रहा था, अब इसमें पानी भर गया लेकिन अब ये लीकेज हुआ है, तो क्या ग्रामीण वासी पहले भी इसकी मांग उठा चुके थे, इसकी जांच की मांग की जा रही थी? जी सर, मांग उठा पाए थे इसकी कि इस पर थोड़ी सी दवाई कम चल रही थी, मुरम वगैरह इनका काली मिट्टी का ध्यान बहुत कम था इसी वजह से, और इस साल अभी डैम को रुकना नहीं था, इसमें लगभग में पानी थोड़ा सा लीकेज रहा, पहले से ही कर देना था। क्या ग्रामीण प्रशासन ने कोई सुनवाई की? क्या प्रशासन ने तो सुनवाई, सर प्रशासन तक हम जा नहीं पहुंचते, प्रशासन से हम कहीं कह नहीं सकते क्योंकि हम सिर्फ यहाँ जो ठेकेदार जो रहते हैं उन लोगों को कह सकते हैं जो काजी कटरा वाले। क्या कहते थे जब आप ठेकेदार से शिकायत करते थे? ये जब हम बोलते थे कि लगभग में आप इसको जरा ठीक करा जाइए, नीचे हमारे गाँव खेड़ा है, फिर नीचे हम जा भी अभी यहाँ से बस के तो हमको नीचे उठा के कर दिया है, अब नीचे भी तो हमको तकलीफ आ रही है वापस, इसके अलावा फिर मतलब क्या है? इसी के कारण कितनी तकलीफें हो रही सर, जो सालों से आप निवासरत थे लेकिन अचानक एक मुनादी करवाई जाती। जी योगेश, आपसे जानना चाहेंगे योगेश, लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रभु पटेरिया मौजूद है, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। प्रभु, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि पहले से ही बता दिया गया था, शिकायत भी की गई थी इसको लेकर कि डैम लीकेज हो रहा है और तमाम जो गांव हैं उनकी जिंदगी से कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी नजर आया, तो इस पर ये बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है कि जब शिकायत की गई थी तो उसमें उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया गया?
सुनाली, कुछ शिकायतों की बात सामने आई है कि बांध जब बन रहा था तो उसमें उसको लेकर लोगों ने शिकायतें जरूर की थी, लेकिन लीकेज का जो मामला है वो अभी ताजा मामला है, क्योंकि बांध में यदि पुराना लीकेज होता तो शायद बांध पहले फट जाता, जो तकनीकी पक्ष है इसका। आमतौर पर मिट्टी के जो बांध होते हैं उसमें कहीं पर भी एक थोड़ा यदि पानी को मिल जाए तो धीरे धीरे वो अपनी जगह बना लेता है। और स्वाभाविक तौर पर जो शिकायत है कि काली मिट्टी का प्रयोग हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर काली मिट्टी होने के कारण ही बांध में लीकेज ज्यादा बढ़ता चला गया। ये जरूर निर्माण एजेंसी की कोई ना कोई खामी है, उसके जो गुणवत्ता के निरीक्षण करने वाले अधिकारी वो जिम्मेदार होंगे इसके, उसके लिए सरकार उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी, जांच भी बैठेगी। लेकिन सरकार की जो पहली प्राथमिकता अभी तक जो दिखाई दे रही, चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार जी, वो है लोगों के जान माल की रक्षा, नुकसान कम से कम हो इसको देखना। और उसके लिए पहला उपाय यही था कि बांध को टूटने से बचाया जाए, पानी को निर्धारित अंदाज में छोड़ा जाए जिससे लोगों को तकलीफ कम हो, तो वो कोशिश सरकार ने अपनी पूरी की। जी जी प्रभु, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और योगेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।